गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आई एम योर बायोलॉजी टीचर। आज हमारा टॉपिक होगा सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और इसमें हम पहले स्टार्ट करेंगे ह्यूमन ब्रेन। जैसे कि आपको पता है, हमने पिछले लेक्चर्स में पढ़ा था व्हाट इज़ नर्वस सिस्टम, फिर हमने न्यूरॉन भी पढ़ा था, तो फिर वहाँ पे क्लासिफिकेशन पे हमने बोला था कि नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ टू मेन कैटेगरीज, वन इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम, अनदर इज पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो आज हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम से स्टार्ट करेंगे, और इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे दैट इज ह्यूमन ब्रेन। तो पहले हम थोड़ा रिवाइज करेंगे कि हमने क्या पढ़ा था। सेंट्रल नर्वस सिस्टम हमने क्या पढ़ा था, सेंट्रल नर्वस सिस्टम वो सिस्टम जो बॉडी के सेंट्रल एक्सिस में प्रेजेंट होता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम इट इज द मेन इंपॉर्टेंट, द 98% ऑफ द नर्वस सिस्टम इज मेड अप ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इसमें दो चीजें हमने वहां पे मेंशन की थी, इट इज फॉर्मड ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ये हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट दैट इज ब्रेन, सारा ये जो यहां से है दैट इज ब्रेन, ब्लैक ब्रेन, ये जो मैंने ब्लैक से शेड किया ये है ब्रेन। अब इस ब्रेन से ही दैट इज अ रेड शेडेड एरिया दैट इज कॉल्ड एज स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन से ही आता है ये कोई अलग ऑर्गन नहीं है, इट इज अटैच्ड विद द ब्रेन। जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है इसमें दो चीजें हैं इंपॉर्टेंट, वन इज ब्रेन एंड अदर इज स्पाइनल कॉर्ड, इट इज द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अब आपको यह भी पता होगा व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम, आपको समझ आया है? अगर आपको पता होगा व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम, मेन फंक्शन, फॉर एग्जाम्पल ये हमारी बॉडी है, इस बॉडी में सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इस सेंट्रल नर्वस सिस्टम का जो सबसे इंपॉर्टेंट, ये तो बॉडी के ये जो सारे फंक्शंस होते हैं इट इज परफॉर्मड या कंट्रोल्ड बाय सेंट्रल नर्वस सिस्टम, मगर जो इसका सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है, अगर हम ब्रॉडली हम कैटेगराइज करेंगे इस सेंट्रल नर्वस सिस्टम का, ये जो सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन होती है दैट इज इट कलेक्ट्स द इंफॉर्मेशन फ्रॉम सेल्फ एंड एनवायरनमेंट। ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम ये जो है ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, इसकी जो इंपॉर्टेंट फंक्शन होती है, प्राइमरी फंक्शन होती है, वो क्या है, ये अपनी सेल्फ बॉडी की फंक्शन को कलेक्ट करे और एनवायरमेंट की इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करे। सबसे इंपॉर्टेंट, इट कलेक्ट्स द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द सेल्फ, सेल्फ हो गया बॉडी और एनवायरमेंट। अब ये इंफॉर्मेशन कैसे कलेक्ट करेगा, बाय मीन्स ऑफ सेंसरी इनपुट, ऑब्वियसली दैट आर मेड अप ऑफ नर्व्स, सेंसरी नर्व्स। तो क्या होता है, थ्रू सेंसरी सिस्टम सेनस ऑर्गन, जो हमारी बॉडी में सेनस ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, एक तो एनवायरमेंट की इंफॉर्मेशन आएंगे और ये जो सेंसरी नर्व्स होते हैं वो हमारी बॉडी की जो इंफॉर्मेशन है वो सारी कलेक्ट करेंगे। इसके बाद ये कलेक्ट करके कहां पे रिसीव होगा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे रिसीव होगा। अब ये जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है ना, ये इस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करेगा, कंपेयर एंड कंट्रास्ट होगा। ये जो सेंसरी इनपुट के जरिए हमारे नर्वस सिस्टम में इंफॉर्मेशन आ रही है, अब ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक गई, अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या करेगा, वहां पे प्रोसेसिंग होगी, कंपेयर होगा, कंट्रास्ट होगा, कंपेयर प्रोसेस क्या हम कंट्रास्ट कहेंगे, उसके बाद क्या होगा, इट विल मेक डिसीजंस। फिर ये डिसीजन जब यहां से इंफॉर्मेशन आई, इट रिसीव्स द इंफॉर्मेशन, कलेक्टेड द इंफॉर्मेशन इज प्रोसेस्ड,
जब ये इंफॉर्मेशन सेंट्रल नर्वस सिस्टम में प्रोसेस हुई उसके बाद ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम इट विल मेक द डिसीजन, हम उसको कहेंगे दैट इज इट विल मेक द मोटर रेस्पॉन्स। तो ब्रेन मोटर रेस्पॉन्स देगा, ये मोटर रेस्पॉन्स फिर मोटर रेस्पॉन्स देगा, ये मोटर रेस्पॉन्स फॉर एग्जाम्पल मूवमेंट होगा, लेट इट इज मूवमेंट, इट इज स्माइल, इट इज सिक्रीशन ऑफ ग्लैंड्स एटसेट्रा होगा। कैसे मैं आपको ये समझाऊं, फॉर एग्जाम्पल लेट इस कमरे में कोई पर्सन एंटर हुआ, अब जो ही ये पर्सन एंटर हुआ तो बिकॉज ऑफ सेंसेशन तो वहां से इंफॉर्मेशन आ रही है थ्रू आईज एंड इट विल गो थ्रू द सेंसरी नर्व्स इनटू द ब्रेन। अब यहां से इंफॉर्मेशन आई, पर्सन एंटर हुआ, इंफॉर्मेशन आई अबाउट द एनवायरमेंट, अबाउट द थ्रू सेंसरी सिस्टम। अब ये जो मेरा नर्वस सिस्टम है ना ये प्रोसेस करेगा कि क्या मैं इस आदमी को जानता हूं, इज इट अ स्ट्रेंजर फॉर मी। वही हुआ प्रोसेस करना, कंपेयर करना कि क्या मैं इसको जानता हूं, क्यों ये जो मेरे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में प्रीवियस इंफॉर्मेशन है वहां से वो कंपेयर एंड कंट्रास्ट होगा कि मैं इसको जानता हूं या नहीं, इज इट अ स्ट्रेंजर फॉर मी। अगर फॉर एग्जाम्पल प्रोसेस और कंपेयर के बाद मुझे पता चला ये मेरा फ्रेंड है तो आई विल गिव द मोटर रेस्पॉन्स, फॉर एग्जाम्पल स्माइल, गुड ग्रीटिंग्स, तो वहां पर आया मोटर रेस्पॉन्स। तो ये जो हमारा नर्वस सिस्टम है ना इसकी जो प्राइमरी फंक्शन है, इट रिसीव्स द इंफॉर्मेशन, इट प्रोसेसेस द इंफॉर्मेशन, कंप्यूटर्स द इंफॉर्मेशन एंड गिव्स मोटर रेस्पॉन्स, एंड गिव्स मोटर रेस्पॉन्स। तो ये इसकी प्राइमरी फंक्शन है। अब दूसरा सिस्टम है दैट इज पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। दूसरा ये जो नर्वस सिस्टम मैंने आपको बताया था दैट इज पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम का काम आपको मैंने समझा है, ये ब्रॉडली मैं आपको समझा रहा हूं। अब ये जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है दूसरी कैटेगरी नर्वस सिस्टम की है, उसका काम क्या होता है, इट हैज ए ड्यूटी टू टेक इंफॉर्मेशन, टू टेक इंफॉर्मेशन फ्रॉम पेरिफेरी, पेरिफेरी टू सेंटर। सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का है वो है कि एनवायरमेंट या बॉडी, ये जो सेल्फ हमारा होता है, इसकी इंफॉर्मेशन ले जाना कहां तक, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, प्लस टेक मोटर रेस्पॉन्स, मोटर डिसीजंस या मोटर रेस्पॉन्स फ्रॉम सेंटर टू पेरिफेरी। सबसे आसान सेंट्रल नर्वस सिस्टम को समझना, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का काम है रिसीव करना इंफॉर्मेशन, प्रोसेस करना और उसके बाद मोटर रेस्पॉन्स देना, फॉर एग्जांपल दिस साइकिल, यह है सेंट्रल नर्वस सिस्टम का काम। जो दूसरी कैटेगरी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, उसका फंक्शन होता है कि यह जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है टू टेक द इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन पेरिफेरी से लेनी है सेंटर तक और फिर वहां से मोटर रेस्पॉन्स लेना है फ्रॉम सेंटर टू द पेरिफेरी, ऑब्वियसली इट विल बी आल्सो थ्रू नर्वस। सो ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, तो ये जो इंफॉर्मेशन यहां से पेरिफेरी से सेंटर तक और सेंटर से पेरिफेरी तक जो मोटर रेस्पॉन्स लाएगा हम उसको नाम देते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। यह है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, यह है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ब्रॉड टू कैटेगरीज। इनमें सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस क्या है, इसकी एक फंक्शन है और इसका इसकी और एक फंक्शन है, दिस इज अनदर सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इसकी ये इंपॉर्टेंट है, इट कॉल ऑब्वियसली इट मेक्स द डिसीजन, इट कंट्रोल्स अवर बॉडी, मगर इसकी फंक्शन होती है इंफॉर्मेशन को यहाँ से लेना और वहाँ से मोटर रेस्पॉन्स। ठीक है, तो हम स्टार्ट करेंगे दैट इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ब्रेन और स्पाइनल। तो हम सबसे पहले ब्रेन से स्टार्ट करेंगे। सो ये जो हमारा ब्रेन है, ह्यूमन ब्रेन, इट इज अ पार्ट ऑफ द नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इट इज हैविंग सॉफ्ट चीज लाइक कंसिस्टेंसी,
अगर आप ब्रेन का स्ट्रक्चर देखोगे तो आपको इसकी अपीयरेंस सॉफ्ट चीज़ लाइक होगी, सॉफ्ट चीज़ लाइक कंसिस्टेंसी। अराउंड 98% ऑफ नर्वस सिस्टम इज मेड अप ऑफ ब्रेन, 98%। ये जो हमारा नर्वस सिस्टम है ना, 98% किससे बना है? दैट इज द मेन ब्रेन। दिस ब्रेन हैज 1.2 टू 1.4 केजी वेट। द ब्रेन हैज ए वेट ऑफ 1.4 केजी वेट होता है। सॉफ्ट चीज लाइक कंसिस्टेंसी है, 98% ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, 98% ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम, या सॉरी इट इज नर्वस सिस्टम, 98% ऑफ द नर्वस सिस्टम इज मेड अप ऑफ ब्रेन, 98%। उसके बाद इसका वेट 1.2 टू 1.4 केजी होता है। इट लाइज इनसाइड द बोनी कवरिंग। आपको पता है उस बोनी कवरिंग का नाम क्या है? इट लाइज इनसाइड द बोनी कवरिंग कॉल्ड क्रेनियम। क्रेनियम के अंदर होता है। जिस तरह से स्पाइनल कॉर्ड एक बोनी कवरिंग में होता है, उसे हम नाम देते हैं वर्टेब्रल कॉलम, इसको हम नाम देंगे दैट इज क्रेनियम। ये जो हमारा ब्रेन होता है, ब्रॉडली इट हैज 3 पार्ट्स, इट हैज 3 पार्ट्स। वन इज कॉल्ड एज फोर ब्रेन, सेकेंड वन इज मिड ब्रेन, एंड थर्ड एंड लास्ट वन इट इज हिंड ब्रेन। हिंड ब्रेन, ह्यूमन ब्रेन जो होता है इसमें मेन 3 पार्ट्स होते हैं। वन इज फोर ब्रेन, अनदर इज मिड ब्रेन, एंड अदर इज लास्ट वन इज हिंड ब्रेन। अगर हम फॉर एग्जाम्पल लाइक आई एम स्टडी हेयर, इस तरह से ब्रेन का सेक्शन करेंगे, इस तरह से लाइक दिस। ये कैसे होगा ये आप नोट कीजिए। फॉर एग्जाम्पल आई एम स्टडिंग लाइक दिस, तो ब्रेन की सेक्शंस करेंगे इस तरह से, लेट दिस इज अ सेक्शन सेक्शन। तो ब्रेन की अपीयरेंस कैसे होगी? ये इस तरह से होगा। लाइक दिस, जस्ट आई एम स्टडिंग इन फ्रंट ऑफ यू, इस तरह से सेक्शन करेंगे। तो यहां पे ये ब्रेन है, ये रहा स्पाइनल कॉर्ड, तो ये है सारा ब्रेन। अगर हम देखेंगे इस ब्रेन के 3 पार्ट्स हैं। वन इज फोर ब्रेन जो यहां तक है, यहां तक है। इसमें ये भी आप ऐड करेंगे यहां तक। इसे हम नाम देते हैं फोर ब्रेन। आपको पता है सेक्शन कैसे किया मैंने? इस तरह से खड़ा, ठीक। तो फोर ब्रेन है। अब यहां से रेड शेडेड एरिया, इट इज कॉल्ड एज मिड ब्रेन। अब ये दो, दिस इज कॉल्ड एज हिंड ब्रेन। थर्ड वन, दिस इज कॉल्ड एज हिंड ब्रेन। अगर हम फोर ब्रेन की बात करेंगे, इस फोर ब्रेन में 2 चीजें होती हैं। मेन इंपॉर्टेंट पार्ट होता है सेरिब्रम, आउटर पार्ट। ये जो फोर ब्रेन है ना, इसका ये जो आउटर पार्ट है, आउटर पार्ट, इस आउटर पार्ट को हम नाम देंगे सेरिब्रम। अब इस आउटर पार्ट में और एक डीपर पार्ट है, एक ये जो मैंने यहां से बनाया,
डीप पर्पल। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इस तरह से आप देखोगे साइड व्यू, ये हमारा ब्रेन है, लेट दिस इज सेरिब्रम, डीपर पार्ट यहां से, ये यहां से सेरिब्रम है, लेट साइड व्यू दिस इज सेरिब्रम, इस ये तो आउटर मोस्ट पार्ट हुआ तो नाम देंगे सेरिब्रम। अब इस सेरिब्रम को अगर हम डीपली देखेंगे दिस साइड फ्रॉम लोअर साइड, तो डीपली एक पार्ट इसमें एम्बेडेड होता है, इसके अंदर होता है, हम उसको नाम देते हैं डाइएन्सेफलॉन। फोर ब्रेन की मैं बात कर रहा हूं, फोर ब्रेन इट इज आउटर मोस्ट पार्ट दैट इज सेरिब्रम। अब इस सेरिब्रम ये तो हो गया सुपीरियर पार्ट, ये है इन्फीरियर, ये है अपर पार्ट, ये है लोअर। अगर हम साइड की तरफ देखेंगे अपर लोअर, अपर ये जो सरफेस है ना इट इज मेड अप ऑफ सेरिब्रम। अब यहां से लोअर साइड से इसके अंदर होता है और एक पार्ट, उसे हम नाम देते हैं डायन्सेफलॉन। और एक होता है दैट इज ओल्फैक्टरी लोब्स, यहां से ओल्फैक्टरी लोब्स। हमारे ब्रेन के तीन रीजन्स हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन। अब ये जो हमारा फोर ब्रेन है ना, इसका जो सबसे लार्जेस्ट पार्ट और आउटर पार्ट, उसे हम नाम देते हैं सेरिब्रम। अब इस सेरिब्रम के लोअर साइड से ये तो है, इस तरह से मैंने आपको दिखाया है फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन। अब अगर आप साइड की तरफ नजर डालोगे तो यहां से सेरिब्रम है, तो सेरिब्रम के लोअर साइड पे और एक पार्ट है दैट इज डाइएन्सेफलॉन, और होते हैं दो सेक्स, उन्हें हम कहते हैं ओल्फैक्टरी लोब्स, ओल्फैक्टरी लोब्स। अब यहां से मिड ब्रेन है, इसका काम है फोर ब्रेन और हिंड ब्रेन को कनेक्ट करना, दैट इज मिड ब्रेन। अब है लास्ट में थर्ड, दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकंड एंड दिस इज थर्ड वन। अब फर्स्ट में फोर ब्रेन आपको खुद ही समझ आया, एक तो सेरिब्रम है, डाइएन्सेफलॉन है और सेरिब्रम है, मिड ब्रेन फोर ब्रेन और हिंड ब्रेन को कनेक्ट करता है। अब ये जो मिड ब्रेन है ना, ये इन दोनों के दरमियान है, उसके बाद है हिंड ब्रेन। हिंड ब्रेन हैज ऑल्सो थ्री पार्ट्स, वन ये लाइक दिस जो मैं बाहर की तरह बना रहा हूं, दिस इज कॉल्ड एज सेरिबिलम, यह है सेरिब्रम, यह है सेरिबिलम, और दूसरा पार्ट पॉनस, और थर्ड वन इज मेडुला, ये है ब्रेन। यहां तक ब्रेन है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन, सेरिबिलम, पॉनस एंड मेडुला। अब यही ब्रेन जो है ना, इट विल एलांगेट इंटू कॉलम लाइक स्ट्रक्चर, दैट इज कॉल्ड एज स्पाइनल कॉर्ड। जो मैं आपको पहले ही बोला कि स्पाइनल कॉर्ड ब्रेन से ही आता है, मेडुला ऑब्लोगंटा इज एलोंगेट इनटू ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, दैट इज कॉल्ड एज स्पाइनल कॉर्ड। ये है ग्रॉस स्ट्रक्चर ऑफ द ब्रेन। आप ये नोट, ये डायग्राम भी नोट करके रखोगे और यहाँ पे रीजन्स का भी नाम लिखोगे। तो यहाँ पे साइनॉप्सिस है इसकी, ब्रेन फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन। फोर ब्रेन में सबसे इंपॉर्टेंट सेरिब्रम, वहां लोअर साइड से डाइएन्सेफलॉन, एंड थर्ड वन इज ऑल्फैक्टरी लोब्स। उसके बाद क्या है, मिड ब्रेन जो फोर ब्रेन और हिंड ब्रेन को कनेक्ट करेगा, एंड थर्ड वन इज हिंड ब्रेन, वहां से इसका भी एक इसके भी तीन पार्ट्स हैं, सेरिब्रम, सेरिबलम, यह है सेरिब्रम, यह है सेरिबिलम, सेकंड इज पॉनस, एंड थर्ड वन इज मेडुलो ऑब्लोगेंटा। अब यही मेडुलो ऑब्लोगेंटा इट विल बी एलोंगेटेड इन द फॉर्म ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। यह है ग्रॉस स्ट्रक्चर ऑफ द ब्रेन। अब हम स्टार्ट करेंगे फ्रॉम फोर ब्रेन, अब हम फोर ब्रेन पढ़ेंगे, फिर मिड एंड लास्ट वन हिंड ब्रेन, अलग अलग पढ़नी है।